नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद में एक बंदर ने दहशत का माहौल बना डाला है, जिसको लेकर आवाम खौफ के साए में जीने को मजबूर नजर आ रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, व्यापारियों के बीच भी इस बंदर का आतंक साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। इस बंदर ने हमला कर अब तक कई लोगों को अपना शिकार बना डाला है। बुंदेली कश्मीर के नाम से मशहूर चरखारी में बंदर द्वारा रोज किसी न किसी को अपना शिकार बनाया जा रहा है। अभी हाल ही में एक सैलून की दुकान पर किए गए हमले के दौरान बंदर ने वहां मौजूद कई लोगों को घायल कर दिया, जिसमें एक 10 वर्षीय बच्चा भी शामिल है। गंभीर रूप से घायल 10 वर्षीय बच्चे का इलाज जिला चिकित्सालय में किया जा रहा है। कई मर्तबा वन विभाग की टीम को इस बंदर की जानकारी दी जा चुकी है, लेकिन आज भी हमलावर बंदर उनकी पहुंच से खासा दूर नजर आ रहा है। चरखारी तहसील के विद्या मंदिर स्थित एक सैलून पर हमलावर बंदर ने अचानक हमला कर कई लोगों को घायल कर दिया। वहीं इस हमले में एक 10 वर्षीय बच्चे को भी उसने अपना शिकार बना डाला, जिसे गंभीर हालत में जिला चिकित्सालय महोबा भर्ती कराया गया। बंदर का आतंक बढ़ता देख कुछ लोगों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी, लेकिन उन्होंने टीम न होने का हवाला देते हुए टीम आने तक बंदर पकड़ने में विभागी को लाचार बता दिया। जब टीम आई तो बंदर उनकी पहुंच से खासा दूर नजर आया। व्यापारियों की अगर माने तो उन्होंने साफ तौर पर बंदर का आतंक होने के चलते दुकानदारी ठप होने की बात कही है। उनका कहना है कि बंदर के आतंक के चलते ना तो कोई ग्राहक अपने घर से बाहर निकल रहा है और ना ही वह व्यापार कर पा रहे हैं। न्यूज लाइन भारत के लिए मोहम्मद आजाद चौधरी की रिपोर्ट। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम धीरेन्द्र कुमार है। आपकी यह दुकान कहाँ पर स्थित है? मेरी दुकान यहाँ नजरबाग की अरघाड़ी में है। हाँ, क्या घटना हुई अभी? मेरे यहाँ घटना ये है, आए दिन एक बंदर है जो लगातार मैं यहाँ काम नहीं कर पा रहा हूँ। काम करने के लिए खड़ा होता हूँ तो एक पागल बंदर आता है। वो वन विभाग वालों को फोन किया जाता है तो वे कहते हैं हमारे यहाँ आदमी नहीं है, जब यहाँ मर जाएंगे दो चार दस भैया, जब सरकार सुनेगी और ये वन विभाग वाले सुनेंगे। यहाँ हम आए दिन बच्चे पाल नहीं पाते, यहाँ रोजी रोटी नहीं कर अपनी कमा पाते हैं, तो ये बताइए, हम बार बार फोन लगा रहे हैं वन विभाग वालों को तो वो हमारी सुनते नहीं है। कहते हमारे पास आदमी नहीं है, आदमी आएंगे तब देखा जाएगा। तो ये बताइए, मेरे यहाँ छोटे छोटे बच्चे बाल कटाने आते हैं, तो ये बताइए, और मैं बच्चे को छोड़ के जाता हूँ तो क्या दशा होगी बच्चे की? इस आदमी को बुरी तरीके से हालत से गंभीर हालत से घायल किया है। अभी हमारे देखते देखते इतने लोगों को घायल किया है, यहाँ के लेने के देने पड़ गए, मुझे भागते से ही दिक्कत आ गई है। सब मैं आए दिन परेशान हूँ, मेरे पीछा तोड़ दे, ये कुछ हरकत करता है तो बताइए, तो तुम जिम्मेदार है, हम सब काम कर नहीं पाते हैं यहाँ, वो गुजारिश करते हैं बार बार, वन विभाग वालों को फोन लगाते हैं बार बार, तो यही कहते हैं कि हमारे पास आदमी नहीं है, हमारी टीम घूम रही है, हम फोन लगाते हैं बंदर यहाँ है, तब एक वन विभाग वाले नहीं आते, तब कहते हैं हमारे पास आदमी नहीं है, बताया फिरते हैं घूमते, जाल लिए हम बंदर को पकड़ रहे हैं, हैं हमारे साहब गंगा सिंह इंटर कॉलेज के ये साहब हैं, इनने कहा था तो कहा कह रहे थे कि बंदर पकड़ गया है। प्रिंसिपल साहब है गंगा सिंह इंटर कॉलेज के, जो मेरे छत के ऊपर रहते हैं, मैं नीचे दुकान की हूँ, तो कह रहे थे बंदर पकड़ गया है, ऑफिस गए थे। अच्छा। उसके उपरांत दो दिन बाद नहीं हुआ, बंदर ने फिर हमला कर दिया। हमला करने के बाद जून में एक गंभीर रूप से घायल हो गया, इमली टांग का है वो, मेरे यहाँ था, वो निकल नहीं पा रहा, उसकी 12 टांग आया, सरकारी अस्पताल में अभी टांग लगवा के आया है। क्या घर में आपने उसकी फूल की तस्वीर ली होगी आपने? इसके बाद में बताइए, हम सारा दिन बंदर के तलाश में हम काम नहीं कर पाते हैं, दुविधा लगी रहती है कि ये कहीं से बंदर आ ना जाए, आता है तो बताइए, हम छोटे छोटे बच्चे। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहेंगे इजाजत, नमस्कार।